क्लास एक्ट और जो गया रखा है जोन्स स्टूडियो फ्री स्टाइल राज जोन्स के साथ मतलब चलते हैं फिर देखते हैं क्या है। स्कोमैन गाना हमने सुन रखा है हाँ, पर हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई राज जोन्स ने नया चालू करा है इसमें मतलब नए नए आर्टिस्ट मतलब नए नए तो क्या मतलब जो भी है आर्टिस्ट एक आएगा फ्री स्टाइल करेगा और उसकी वीडियो आपको देखने को मिली गाना मिलेगा आपको। तो इसमें से स्मोक पहला आर्टिस्ट था जो राज जोन्स ने बुलाया और हम पता है जो जानते स्मोक को उन्हें पता है कि स्मोक क्या चीज है भाई और ये उनमें से एक है भाई फ्री स्टाइल। तो लेट्स गो मैन चेक कर रहे हैं हमने सुन रखा है बस आपके साथ पेश करते हैं वाला सीन है। लेट्स गो ये नया सेगमेंट आया राजू उसकी तरफ से तो बस सोच रहे हैं सब पे बना सकते हैं रिएक्शन बस हिंदी में होनी चाहिए तो बना देंगे। माय इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और अभी मैं हूँ जोन्स स्टूडियो में और मेरे साथ मौजूद है दिल्ली का बहुत ही जी फाड़ रैपर जिसका नाम है स्मोक। स्मोक मेरे भाई कैसे हो? बढ़िया ब्रो, आप बताओ क्या हाल है? ऑल इज वेल ब्रो, ट्रिपल वी, सो लेट्स डू दिस, करते हैं ब्रो, लेट्स डू इट, लेट्स गो। तैयारी के साथ हम है फॉर अ लॉन्ग टर्म ऐसी बीटो पे मॉन्स्टर लेबल करे ना स्पॉन्सर स्ट्रीट लाइफ अपने साइफर होते कॉन्सर्ट पर स्टेज भी खेलना हो स्ट्रीट लाइफ अपने साइफर होते कॉन्सर्ट बिल्कुल भाई स्ट्रीट लाइफ ब्रो रे प्रो साइफर यस स्ट्रीट लाइफ दोनों करी साथ में गाने बने टाइम पास में ऐसी बना ली आदतें ने लगे 12 साल मैंने करा वो सब पांच पे मुझ पे मारे पत्थर एक खुद इनके घर है कांच के रैपर्स पूछे स्मोक कौन दे नो दे जस्ट हिटिंग इनके टॉप 5 का टॉप 2 दे नो आई एम अमेजिंग आई थिंक ये ब्रो मतलब जो तुम्हारा फेवरेट है उनके टॉप 5 उनके टॉप 5 में मैं आऊंगा yes. तो दे नो आई एम अमेजिंग भाई बहुत ही सही लाइन है भाई ये तुम्हारा है नहीं पर तुम्हारे फेवरेट रैपर के टॉप 5 में मैं आता हूँ तो समझ लो भाई कैसा हूँ मैं। इनके टॉप 5 का टॉप 2 दे नो आई एम अमेजिंग आए थे इनके डीएम गई थी जब टेप गिर शॉट्स लेते रैपर मिलके करते फिर एक्सप्लेनिंग मुझको जस्टी ना ये बातें घर से सीखा आगे बढ़ना नहीं दूसरों को गिरा के पर ये भी है कि सचिन का बेस्ट बनना एक मिराज है हमने करा नहीं स्कूल ड्रॉप और अभी पढ़ते किताबें आई डोंट केयर दिल्ली का हूं मैं फेस लग गया वो कट हां पर यहां पे लाइन थी जो कि कट चुकी है भाई हां तो उसमें एक तो तब्बू का मेंशन था और एक रीत तलवार का मेंशन था वो पता नहीं लाइन क्यों कटी वो स्मोक ही बताया जाके पूछो भाई मतलब भाई स्मोक और राज जोन्स से पूछो हमें नहीं पता उस लाइन ऐसी थी कि मेन चिक तब्बू और साइड चिक लगे रीत तलवार वो पता नहीं भाई हमारी वीडियो भी डिलीट हो सकती है भाई हमें पता नहीं हमने बता दिया है पर हाँ भाई इसमें से कट गया है ऑडियो प्लेटफॉर्म से भी कट चुका है वो तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे कट सुनाई देगा ऑडियो प्लेटफॉर्म पे वो कट भी सुनाई देगा मतलब इसने स्मूथ से कटा है यस कमेंट सेक्शन में जाओगे आपकी वो लाइन दिख जाएगी लोगों ने कमेंट कर रखी है मतलब वो आउटशाइन कर रहा था वैसे हाँ भाई पूरे गाने में मतलब मैं तो खुश था मेरी फेवरेट लाइन थी भाई वो मेरी फेवरेट लाइन थी रीत तलवार वाली पर वो उड़ गई ब्रो बहुत दुख है मेरे को स्मोक क्यों हुआ ये वी डोंट नो पर हाँ भाई वो मेरी फेवरेट लाइन को गिरा के पर ये भी है कि सचिन का बेस्ट बनना एक मिराज है हमने करा नहीं स्कूल ड्रॉप और अब भी पढ़ते किताबें I don't care, दिल्ली का हूँ मैं फेस फेमस होगा तू मैं फीचर का घटा नहीं सकूं रेट नो फ्रेंड्स इन दिस इंडस्ट्री और मैं यहाँ का ट्रेक नाउ फ्री स्टाइलिंग तुम्हारे सामने वन टेक पिछले साल था मैं शांत माहौल बनानी आंधी है बाल लंबे समझ जाना क्यों मैं चलूं पानी पे तारीफों का हकदार बनानी है ये रेफरेंस ही बस लगता है भाई मुझे और पहले भी इसने रेफरेंस दिया है शायद वीवीवी में भी दिया है ट्रिपल वी में भी इसने दिया है कुछ रेफरेंस शायद अब पता नहीं शायद से कोई रेफरेंस था जीसस का पर हाँ वही है भाई पिछले साल में शांत माहौल बना आनी आंधी है बाल लंबे तुम समझ जाओ मैं क्यों चलूं पानी में ऐसे मैं चलूं पानी पे तारीफों का हकदार बनानी आसानी से इंडिया के टॉप 10 में से 7 राजधानी के हूं मैं क्लास एक्ट तभी लेनी शेवरले डील उठा के फिर इटली होगा गेट अवे एल्बम आई नहीं थी परम लेजेंड थे पहले से ये गेम मैराथन और हम सालों से पैदल है ये सब लिखना मेरे लिए है आसान बात चाहूं बड़े सब साथ साथ सोच जैसे कार्ल मार्क्स इंडस्ट्री के लिए विलन प्राण साफ कर रखा बयान क्यों कलम मेरा नयाब यार बड़े फीचर करे दोनों एल्बमों के नाम गिर दिए ब्रो सीधे बात की
जैसे कार्ल मार्क्स इंडस्ट्री के लिए विलन ब्रांड साफ कर रखा बयान क्यों कलम मेरा नयाब यार बड़े फीचर करे बैग मैंने बैटल रैप से इफ यू नो हम रियल करते नहीं एक्टिंग बिना पीआरटी आर्टिकल छापे ना मैगजीन बट फक इट मेरे बिना बेसाखियों पे ये रैप सीन स्मोक ये भी आ रहा भाई अगर आपको कराना रिएक्शन मतलब हम तो बनाएंगे शायद जहां तक है क्योंकि भाई मजा आएगा हम भी डिस्कवर करेंगे नए आर्टिस्ट हाँ भाई तो इसलिए भाई और आपको भी पता लगेगा बहुतों को ना भी पता हो यस जैसे स्मोक का तो पता था संजय का तो नहीं पता हाँ, तो संजय को भी हम चेक करेंगे तो ब्रो फाड़ दिया ब्रो स्मोक ने तो फाड़ दिया ब्रो ट्रैक मजा आ गया बार्स जैसे उसने बोला ना यस सर ओनली बार्स बिल्कुल कैडो और इसका फ्लो इतना स्मूथ ना भाई हाँ वही चीज सबसे ज्यादा वो है भाई इतना स्मूथ फ्लो मतलब कहीं पे हिचक नहीं कहीं कुछ नहीं एकदम हाँ। स्मूथ चल रहा है और ऊपर से इतनी कैड लिरिक्स के साथ भाई बिल्कुल लास्ट उसने बैसाखियों पे करके जो हाँ बैसाखियों पे ये रैप सीन सही में भाई स्मोक नहीं है तो क्या होगा भाई मतलब जानते नहीं है पर जो जानते हैं उनको पता है भाई वो क्या चीज है ब्रो हाँ। जिस दिन जानेंगे ना सब जानने लगे उस दिन भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रो लेट्स गो मैन ये बात तो है और ऊपर से भाई वो लाइन का क्या सीन है हाँ वी वांट टू नो स्मोक बताएगा भाई प्लीज जिसका गाना मतलब मेरे को बुरा लगा यार मेरे को मेरे फेवरेट मतलब पूरा गाना अच्छा लगा था पर वो मेरी दिल की बहुत करीब लाइन हो गई थी क्योंकि रीत तलवार का नेम उसमें ड्रॉप हुआ था यू नो रीत तलवार आवारा से हम आवारा आवारा से पहले से भाई जब एक बार बादशाह ने क्या कहते हैं स्टोरी लगाई थी बिना टैग करे हुए तब से भाई ने रिकॉर्डिंग रख रखी है फोन में उसकी रीत तलवार की तो नेम ड्रॉप पहली बार ही हुआ था अच्छा लग रहा था पर रहन लगने नहीं दिया मुझे ज़्यादा देर पता नहीं कौन है वो सो लेट्स गो मैम बाकी आपको कैसा लगा हमारी रिएक्शन वो बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट वीडियो आउट तो नहीं जाएगी हमारी भी भाई